दोस्तों कल का और देखिएगा परसों का जो दिन रहने वाला है वो पूरी तरीके से, यानी कि जो एक्सपायरी है वो पूरी तरीके से रिलायंस इंडस्ट्री के हिसाब से चलने वाली है, स्टॉक के हिसाब से चलने वाली है, क्योंकि मार्केट ने, बीएससी ने, एनएससी ने इनको देखिएगा इतना बड़ा मौका दिया है, कितना रिस्पेक्ट किया है, ये मैं बताऊँगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो आप दो दिन जो ट्रेड करने वाले हैं, अगले दो दिन जो ट्रेड करने वाले हैं उसमें अगर आपका सामने रिलायंस का चार्ट नहीं है तो आप समझ लीजिए बिल्कुल एक तरीके से गैम्बलिंग कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि पूरा मार्केट रिलायंस इंडस्ट्री ही देखेगा, यहाँ पे क्या करेगा, पूरी तरीके से होल्ड ऑन करेगा। और आप देख सकते हैं एनएससी टू कंडक्ट स्पेशल, यानी कि इतना बड़ा स्टॉक एक्सचेंज एक स्पेशल देखेगा प्री ओपन सेशन रख रहा है, किसके लिए, रिलायंस इंडस्ट्री के लिए। कब? 20 जुलाई को, आप समझ लीजिए जब आपकी एक्सपायरी है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसा स्पेशल देखेगा, एक फेवर किया जा रहा है रिलायंस इंडस्ट्री के लिए। तो आप समझ लीजिए कि कल का और देखेगा परसों का दिन रिलायंस इंडस्ट्री के लिए होने वाला है। जियो फाइनेंशियल गेट्स टेम्परेरी निफ्टी 50 टिकट। तो आपको कुछ दिन तक, जब तक देखेगा रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विस के देखेगा शेयर क्या नहीं हो जाते हैं, लिस्ट नहीं हो जाते हैं, तब तक एक रिप्लिका देखने को मिलेगा किसका, जियो फाइनेंशियल सर्विस का निफ्टी 50 में। बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्टर होने वाले हैं जो मार्केट को ड्राइव करेंगे और मार्केट में आपको मोमेंटम देंगे। जो भी दो दिन में मोमेंटम आने वाले हैं वो बड़े मोमेंटम आने वाले हैं, इसलिए भी आपको कॉशियस रहना है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर इतने बड़े मोमेंटम का देखेगा मैक्सिमम टाइम देखे फोकस नहीं कर पाता है। तो जियो फाइनेंशियल सर्विस विल रिमेन पार्ट ऑफ निफ्टी 50। आप देख सकते हो यहाँ पे रिमेन पार्ट ऑफ निफ्टी 50 रहेगा, अदर इंडाइसेस कॉन्स्टेंट प्राइस टिल सच टाइम इट ऑफिशियली गेट्स लिस्टेड। यानी कि आपको 51 शेयर देखने को मिलेंगे निफ्टी 50 में, कितने, निफ्टी 50 में 51 शेयर देखने को मिलेंगे, लेकिन एक शेयर का प्राइस हिलेगा डुलेगा नहीं, प्राइस कांस्टेंट रहेगा, एक जैसा है वैसा ही रहेगा, और जब तक रहेगा जब तक कि ये कंपनी लिस्ट नहीं हो जाती। तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस जो होगा वो पार्ट तो बन जाएगा निफ्टी 50 का, लेकिन उसका प्राइस में कोई भी देखेगा चेंजेस नहीं आएंगे तब तक जब तक ये ऑफिशियली लिस्ट नहीं हो जाता। वंस द डेट फॉर लिस्टिंग शेयर इज अनाउंस द डमी सिंबल क्रिएटेड विल बी रिप्लेस विद एन एक्चुअल सिंबल। यानी कि जो डमी सिंबल बना के अभी देखेगा उसे रिप्लिका बना के निफ्टी 50 में ऐड किया जा रहा है वो एक्चुअल सिंबल में हो जाएगा, एंड GFS विल बी फॉर्म अ पार्ट ऑफ इंडेक्स फॉर अ टेम्परेरी पीरियड। जियो फाइनेंशियल सर्विस विल बी द रिमूव फ्रॉम ऑल द इंडाइसिस आफ्टर क्लोज ऑफ ट्रेडिंग ऑन द थर्ड डे ऑफ लिस्टिंग एट अ मार्केट डिटर्मिनेंट प्राइस। तो अगर आप देखेंगे उसके बाद तीन दिन की ट्रेडिंग के बाद, लिस्टिंग की तीन दिन की ट्रेडिंग के बाद इसको सारे इंडेक्स से हटा दिया जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है, किसी के लिए भी समझना ये, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स सिनेरियो में आपको पता है कल बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट तीन महीने के रिलायंस इंडस्ट्री के देखिएगा एक तरीके से आप समझ सकते हैं कैंसिल होंगे, एक्सपायर होंगे, प्री मार्केट सेशन भी है, तो ऐसे में बहुत सारी होड़ भी रहेगी जो मार्केट को ड्राइव करेगी, क्योंकि मार्केट में निफ्टी 50 में रिलायंस का वेटेज अभी भी बहुत स्ट्रांग है, सेकेंड स्ट्रांगेस्ट है। तो आप समझ सकते हैं कि ये दोनों डेटें, कल और परसों का दिन, बहुत बड़ा होने वाला है डी मर्जर के हिसाब से, जैसा कि आप देख रहे हो। और रिलायंस का मूव आप कैंडल के हिसाब से ना ड्राइव करके न्यूज़ के हिसाब से चलेगा कि अचानक से आपको मान लीजिए डाउन देखने को मिला है और अचानक से एकदम से बाइंग आ गई और ये अप हो गया, इस तरीके का सिनेरियो देखने को मिलेगा, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री के एक शेयर के बदले में रिलायंस जियो का एक शेयर मिलेगा। और आपको पता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ये भी मान रहे हैं कि जियो फाइनेंशियल सर्विस 160 से 190 के आसपास क्या करेगा, ट्रेड करेगा। द फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस ऑफ इंडियाज रिलायंस इंडस्ट्री विल बी वैल्यूड एट
160-190 रुपीज पर शेयर अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट बाय 5 एनालिस्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये भाव निकल के आ रहा है और इसके हिसाब से ही इनफ्लो या आउटफ्लो होगा रिलायंस इंडस्ट्री में। अगर ये भाव अच्छा लग रहा है तो कल अच्छी बाइंग आएगी, और अगर ये भाव खराब लग रहा है तो हो सकता है जो इतने दिनों से रिलायंस इंडस्ट्री भाग रहा है उसमें प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। तो कल पूरा बाजार चलाने की जिम्मेदारी कल और परसों पूरी तरीके से किसकी है, आप एक तरीके से समझ लीजिए रिलायंस इंडस्ट्री की है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़े मोमेंटम आने वाले हैं। 6 महीने में 13.5% के रिटर्न बना के दिए हैं स्टॉक ने। तो कल का दिन भाव के हिसाब से डिसाइड होगा। बहुत सारे लोग हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग करने जाएंगे, बहुत सारे लोग जियो फाइनेंशियल सर्विस स्टॉक को देखेगा अपने पास लेने के लिए यहाँ पे बाइंग करेंगे। तो कल का मोमेंटम बहुत ही ज़्यादा डिसाइड करेगा रिलायंस इंडस्ट्री, तो फोकस करेगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।